वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फैसले की पीएम ने तारीफ की है। पीएम ने ट्वीट किया और वित्त मंत्री के कदमों को ऐतिहासिक बताया। घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स कम करने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फैसले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। पीएम ने ट्वीट किया, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का कदम ऐतिहासिक है। ये मेक इन इंडिया को शानदार प्रोत्साहन देगा जो दुनिया से निजी निवेश को बढ़ाएगा, हमारे निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा और अधिक नौकरियां पैदा होंगी। ये 130 करोड़ भारतीयों की जीत होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकार के फैसले को साहसिक कदम बताया है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने खुद पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमलावर कैंपस के बाहर से बुलाए गए। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में उन पर हमला करने वाले छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर से बुलाए गए थे। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इन छात्रों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इनसे कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन जिन लड़कों को आइडेंटिफाई किया गया है एज दी फर्स्ट पीपल हु आर असॉल्टिंग मी, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्या वो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? गुरुवार को जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र संगठन एसएफआई से जुड़े छात्र प्रदर्शनकारियों ने बाबुल सुप्रियो के साथ बदसलूकी की थी, उनके साथ धक्का मुक्की की और बाल पकड़कर खींचे। बीजेपी की ओर से जादवपुर थाने में आज एक शिकायत दर्ज कराई गई है। बदसलूकी की घटना के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर पूरी तरह नाकाम रहने का आरोप लगाया है। कलकत्ता के अंदर पुलिस कमिश्नर है, यदि वह नहीं पहुंच सकते हैं तो गवर्नर को आना पड़े, तो इससे बड़ा सरकार के फेल्यूर का और क्या उदाहरण है। कांग्रेस ने कहा है कि किसी भी नेता के साथ इस तरह की बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। बाबुल सुप्रियो शुड नॉट बी हैरास्ड एंड हैकल्ड इन सच ए वे। स्टूडेंट्स हु आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री had been indulged in such kind of activities. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना ने नरमी के संकेत दिए हैं। रविवार को अमित शाह का दौरा भी अहम है। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना और बीजेपी में सीटों के बंटवारे पर कोई मतभेद नहीं है। अगले दो दिनों में बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर स्थिति साफ हो जाएगी। उद्धव ने ये भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। दो दिन पहले फडणवीस सरकार में मंत्री दिवाकर रावते ने कहा था कि अगर 50-50 के फॉर्मूले पर सीटों का समझौता नहीं हुआ तो बीजेपी से गठबंधन नहीं होगा। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह मुंबई जाने वाले हैं। इस दौरान दोनों दलों में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं फौरन।